मंगलम कुन्नकुन्नाद्योजेन्द्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां तेनम जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः नमः समय सारा ऐश्वानुभूति आज का अस्तु जिस भावाय भावाय सर्वभावांतरचरी वंदित स्वरूप सिद्धि रोमचल भगवम गदिम पते उच्छामि स्मय बहु मनमो सत की विले भरे चलता था। देखो 247 नंबर के पेज पे उदय में आए हुए कर्मों को निमित्त करके जिस प्रकार आत्मा निर्विकार स्वसंवेदन परिणाम से रहित होता हुआ आत्मा संबंधी सुख दुख आदि भाव या परिणाम को करता है, उसी प्रकार उदय में आए हुए कर्मों का निमित्त पाकर स्वशुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वास्तविक सुख स्वाद को अनुभव न करता हुआ उन्हीं कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न स्वकीय राग आदि भाव को वेदन करता है, अनुभव करता है, परंतु द्रव्य कर्म रूप प्रभाव को वेदन या अनुभव नहीं करता, ऐसा अभिप्राय है। देखो आचार्य देव ने स्पष्ट रूप से इस बात को खोला है कि आत्मा किसी भी प्रकार से पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, पुद्गल कर्म का निमित्त नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं। निमित्त है लेकिन पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, और जिस प्रकार से कर्ता नहीं है उसी प्रकार से भोक्ता नहीं, अपने राग आदि विकारी भावों को करता है और अपने सुख दुख आदि रूप परिणामों को भोगता है। कर्म का उदय है लेकिन उदय को नहीं भोगता, कर्म का आश्रव और बंध है लेकिन आश्रव और बंध को नहीं करता। हाँ, भावाश्रव और भाव बंध रूप परिणाम को करता है। इसको थोड़ा सही करो, आवाज गूंज रही है ये बहुत। सीधी सी बात है, पूरे अधिकार में ये आचार्य देव को कहना है कि आत्मा एक कहा जाता है कर्म को बांधता है, कर्म को करता है, कर्म के उदय को भोगता है, लेकिन आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं कि ना कर्म को बांधता है ना कर्म को भोगता है। कर्म का कर्ता सब प्रकार से कर्म है, आत्मा अपने ही परिणामों का कर्ता है, आत्मा अपने ही परिणामों का भोगता है, चाहे वे मिथ्यात्व के परिणाम हों, चाहे अज्ञान के परिणाम हों, चाहे कषाय रूप परिणाम हों। अभी यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की विवक्षा से कथन कर रहे आचार्य, अभी यहाँ शुद्ध द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा चर्चा नहीं, क्योंकि जब शुद्ध द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से चर्चा होती है तो आत्मा किसी भी प्रकार के परिणाम का कर्ता भी नहीं है और किसी भी प्रकार के परिणाम का भोक्ता भी नहीं। लेकिन जब वस्तु के स्वभाव की चर्चा चले
तो वस्तु के स्वभाव की जब चर्चा होती है तो किसी भी वस्तु को उसके द्रव स्वभाव, उसके गुण स्वभाव और उसकी पर्याय स्वभाव से ही देखा जाता है। वो ही संपूर्ण वस्तु है, द्रव गुण पर्याय रूप या उत्पाद व्यय ध्रुव रूप, ध्रुवरत रूप। तो यहां आचार्य देव ने ये वस्तु स्वरूप की अपेक्षा चर्चा है और यहां दो द्रव्यों के भेद ज्ञान की मुख्यता से कथन है कि जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। और भिन्न का मतलब क्या, हम भिन्न हैं, आप भिन्न हैं, लेकिन आपने हमारा बुरा किया, हम भी आपका बुरा करेंगे, तो भिन्नता नहीं रही। भिन्नता का मतलब ये है कि कोई द्रव्य किसी का भला, कोई द्रव्य किसी का बुरा, कोई द्रव्य किसी को हानि पहुंचावे, कोई द्रव्य किसी को लाभ पहुंचावे, किसी अन्य द्रव्य के कारण अन्य का जीवन हो, अन्य के कारण अन्य का मरण हो, अन्य द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य को सुख हो, अन्य द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य को दुख हो, ये व्यवस्था बिल्कुल तीन काल में भी लागू नहीं होती। बस जो कथन है वो व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है, कथन मात्र ही है, बस कथन। और जो कथन मात्र कथन है वो वस्तु का स्वरूप नहीं। तो स्वरूप तो ये है, ये बात यहां इस गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट की है, चली आ रही है चर्चा ही, वो चली आ रही है, अभी और चलेगी, खूब चर्चा चलेगी। देखो कुष्टक में और खुलासा किया है कि परद्रव्य के कर्ता पने की मान्यता को अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। कैसा मानता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानता है सो मिथ्या दृष्टि है। कर्ता कर्म पने का निषेध है, भोक्ता भोग पने का निषेध है, लेकिन यहां ज्ञाता ज्ञे पने का निषेध नहीं है, क्योंकि 75 नंबर की गाथा मूल है सारी गाथाओं का, कि जो कर्म का परिणाम अरुणो कर्म का परिणाम है सो नहीं करे जो मात्र जाने सो ही आत्मा। चाहे कर्म का परिणाम हो चाहे नो कर्म का परिणाम हो, आत्मा उनका कर्ता नहीं है लेकिन आत्मा उनको जानता है। यहां जानने का निषेध नहीं किया। अब वो चर्चा भी एक अलग है कि नहीं ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान ही बनता है, अभी वो यहां नहीं है बात। अभी यहां तो आत्मा परद्रव्य को जानता है बस, परद्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है। यहां तो कर्ता भोक्ता संबंध का निषेध करना है, इसलिए ज्ञातापने की स्थापना की है कि पर को जानता नहीं है, पर को कर्ता नहीं है, पर को भोक्ता नहीं है, मात्र पर को, तो जानने की स्थापना करी और कर्ता और भोक्ता संबंध का निषेध किया। लेकिन जब और इससे आगे की चर्चा होगी, जब परद्रव्य की चर्चा से विराम लेंगे आचार्य और केवल अपने स्वभाव की चर्चा करेंगे, तो यहां तक भी बात आएगी कि वास्तव में आत्मा परद्रव्य का जानने वाला नहीं है। अपना जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, उस पर प्रकाशक स्वभाव के कारण जो आत्मा के ज्ञान में परद्रव्य का ज्ञाकार रूप प्रतिबिंब बनता है, बस उसी अपने प्रतिबिंब को जो ज्ञाकार रूप बना है वही उस ज्ञान का ज्ञेय है, वही ज्ञान का पर प्रकाशक बना है। और ज्ञान में सामान्य ज्ञानाकार जो ज्ञान का ज्ञेय बना
क्योंकि ज्ञान ज्ञान को जाने बिना किसी भी ज्ञेय को जानने में समर्थ नहीं। देखो दर्पण में अपन ने चेहरा तो खूब देखा, लेकिन दर्पण देखा कि नहीं देखा, दर्पण देखा कि नहीं देखा कि खाली चेहरे ही देखा। दर्पण को देखे बिना कोई चेहरे को देख सकता है? ऐसे ही ज्ञान ज्ञान को न जाने तो ज्ञान में ज्ञाकार रूप से प्रतिबिंबित होने वाले जो ज्ञेय हैं वे ज्ञेय भी ज्ञान जान सकता नहीं। इसलिए ज्ञान में केवल पर प्रकाशकत्व शक्ति नहीं, स्वपर प्रकाशक शक्ति है। और यहां स्वपर प्रकाशक का अर्थ जो सामान्य जगत करता है वो यहां अर्थ नहीं है कि ज्ञान आत्मा को जानता है जो स्वप्रकाशक और जिस सारे जगत के ज्ञेयों को जानता है ये पर प्रकाशक, ऐसा अर्थ तो सामान्य जगत करता ही है, जैनियों में भी करते हैं, लेकिन ये परम अध्यात्म की चर्चा है। यहां तो आचार्यों ने परद्रव्य को जानने का भी निषेध किया है। अब देखो स्थापना भी करी और निषेध भी किया, तो परद्रव्य को सीधे जानने का विधान नहीं है। सही बात यह है ज्ञान स्वयं अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति की योग्यता के कारण अपनी योग्यता से अपने जो जो ज्ञेयों को जानने की योग्यता बनती है, जिस जिस ज्ञेय को जानने संबंधी आवरण कर्म का क्षोभसम होता है उस पदार्थ के ज्ञाकार रूप ज्ञान अपनी योग्यता से परिणमता है। ज्ञेय से ज्ञान होता है ये सिद्धांत नहीं लगता यहां, यहां तो ज्ञान से ही ज्ञान होता है और ज्ञान को ही ज्ञान जानता है और ज्ञान में बनने वाले ज्ञाकार को जानता है, इसलिए ज्ञेय को जाना ऐसा कहने में आता है। इसलिए दोनों बातों में विरोध नहीं है, स्वप्रकाशकपना और परप्रकाशकपना, कि ज्ञान में ज्ञाकार बना ये ही ज्ञान का परप्रकाशकपना है और ज्ञाकार है सो ज्ञान ही है, यही ज्ञान का स्वप्रकाशकपना है। दर्पण में आकार बना चेहरे का यही उसका परप्रकाशकपना है, और चेहरा नहीं है वो मात्र दर्पण की ही झलक है, दर्पण ही है, तो उस चेहरे को दर्पण देखना ये उसका स्वप्रकाशक पर रहा है, और दर्पण में चेहरा देखना ये दर्पण का परप्रकाशक पर है। समझ में आई बात? दर्पण में चेहरा देखना, दर्पण के सामान्य स्वभाव को गौण कर दिया, अभाव नहीं और चेहरे को देखा, ये दर्पण का परप्रकाशक बना। अब दर्पण के विशेष ज्ञाकार स्वभाव को गौण किया और सामान्य दर्पण कितना बढ़िया दर्पण है, कितना स्वच्छ साफ दिखता है, दर्पण को देखा उसमें जो झलक रहा है उसको गौण कर दिया, ये उसका दर्पण का स्वप्रकाशक बना। ऐसे ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं और जो ज्ञेय झलकते हैं उन्हीं को ज्ञान जानता है, तो ज्ञान में तो सामने उपस्थित हो गए वे भी झलकते हैं और जो गे उपस्थित नहीं है वे भी झलकते हैं। इसलिए सामने उपस्थित गे का ज्ञान के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ये तो ज्ञान में किस प्रकार के ज्ञाकार रूप परिणमन करना ये ज्ञान की स्वयं की सामर्थ्य है। देखो रात में हम जो स्वप्न में देखते हैं तो जो स्वप्न में दिखता है वो होता है जगत में? बोलो, जो स्वप्न में दिखाई देता है वो होता है क्या जगत में? उस प्रकार का ज्ञाकार मुझे अभी भी कई बार स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के सपने आते हैं। बोलो, बचपन के स्कूल जा रहे हैं, बताओ कब छूट गया स्कूल? तो
अब उस गेयाकार को ज्ञान में गेय बनने से कौन, वो गेय तो नहीं है, और ज्ञान में गेयाकार बन रहा है तो वो सामने गेय के भी नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा। और जिस स्कूल में जाते थे वो स्कूल नहीं दिखता, कुछ और ही दिखता रहता है, बस जा रहे हैं इतना दिख रहा। तो गेय से कहां संबंध रहा ज्ञान का? अब उस समय जो ज्ञान में जानपना हो रहा है वो कौन से गेय के अधीन है बताओ? क्यों साहब? नहीं आई समझ में? थोड़ी ऊपर से निकलेगी बात। अब यहां तो चलती रहती है चर्चा, इसलिए पकड़ में आ जाती है। आपसे कम अभ्यासी हैं फिर भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि चर्चा चलती रहती है। ये वो ही है बस, करत करत अभ्यास के बार बार चर्चा में आता है, चिंतन में आता है, तो वो बात क्लियर हो जाती है, फिर भ्रम नहीं रहता उसमें। कि स्वप्न में जो गेय ज्ञान में देखा तो ज्ञान ने जाना, ये तो सत्य है, क्योंकि ज्ञान में गेयाकार रूप परिणमन नहीं हुआ होता तो ज्ञान जानता कैसे? लेकिन जिस गेय को ज्ञान ने देखा वो गेय जगत में है और वो गेय जगत में नहीं है। टूडरमल जी साहब ने एक बात लिखी है कि ये जीव स्वप्न में अपनी मौत को भी देखता है। बोलो, मृत्यु सैया की सजावट देख लेता है? मेरा ये हो रहा है तो वो गे है? वो गे नहीं है तो फिर ज्ञान में विषय कैसे बना? समझ में ही ना बात? तो इससे सिद्ध हुआ ना कि ज्ञान को जिसको जानना है वो जानता है, सामने गे हो चाहे ना हो, तो गेयाधीन नहीं रही ना ज्ञान। ज्ञान गेयाधीन नहीं रहा। इससे सिद्ध होता है ज्ञान ज्ञान को जानता है, और ज्ञान जिस गेय को जानता है वो ज्ञान का ही बना हुआ है। इसलिए गेय की अपेक्षा तो वो गेय को जाना, गेयाकार की अपेक्षा, और वास्तव में देखो तो वो गेयाकार ज्ञान का ही बना हुआ है। दर्पण में जो गेय दिखता है वो वस्तु का नहीं है, वो दर्पण का ही आकार है, उसी की स्वच्छता है, उसी की निर्मलता है, उसी का परिणमन है दर्पण का। ऐसे ज्ञान में जो गेयाकार दिखा वो ज्ञान का ही परिणमन है, उसमें गेय कहां आया? गेय गेय में है, ज्ञान इधर है। समझ में ही ना बात? और केवल ज्ञान की अपेक्षा विचार करो तो सारे जगत के भूतकाल के गेयों को जानता है, सारे जगत के भविष्यकाल में आने वाली पर्यायों को जानता है। अभी भविष्य में होने वाली पर्याय वर्तमान में कहां विद्यमान है, और भूतकाल में हो के चली गई वे पर्याय कहां विद्यमान है? लेकिन वे पर्याय भी ज्ञान का विषय बन रही कि नहीं बन रही? तो उनमें गेय निमित्त है कि ज्ञान ज्ञान की शक्ति ही उसको जान रही है? गे कहां है? वो तीनों कालों के गे हैं कहां वर्तमान में? यदि गे के निमित्त से ज्ञान अपन मानेंगे तो विचार करो कि तीन काल संबंधी गे हैं कहां? अपना बचपन दिखता है लेकिन बचपना है कहां? अपनी मृत्यु दिख रही है लेकिन मृत्यु है कहां? समझ में नहीं बात? तो जो दिख रहा है वो है कहां? और है नहीं तो ज्ञान में गेय कैसे बना? तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान में जिस रूप जिस गेयाकार रूप परिणमने की सामर्थ्य होती है, ज्ञान उस गेयाकार रूप परिणमता है, सामने गेय की उपस्थिति हो चाहे।
देखो शरीर और आत्मा एक है कि नहीं वर्तमान में है? तो एक तो नहीं है, लेकिन ज्ञान कह रहा है बिल्कुल एक है। ज्ञान क्या जान रहा है? तो जो नहीं है उसको जान रहा है कि नहीं वर्तमान में भी बोलो। ज्ञान में ये उदाहरण दिया है, परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ है न्याय शास्त्र का, जैसे तत्वार सूत्र है ना, ऐसे परीक्षा मुख नाम का एक सूत्र ग्रंथ है जो शास्त्री पढ़ते हैं जयपुर में, उनको सबको पढ़ना पड़ता है। आज भी होगा वो तो कोर्स में, क्यों है ना, वो बहुत बढ़िया ग्रंथ है, वो सदा चलता रहेगा। न्याय शास्त्र का सूत्र ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट लिखा है, तर्क से युक्ति से न्याय से सिद्ध किया कि सारा जगत इस बात को मानता है कि गेय से ज्ञान होता है। तो आचार्यों ने इसका निषेध कर दिया कि गेय से ज्ञान होता है तो भूतकाल और भविष्यकाल फिर ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। एक बात, जो सामने गेय होगा वही ज्ञान का विषय बनेगा, जो इंद्रियों से दूर चला जाएगा जो गेय, वो भी ज्ञान का गेय नहीं बनेगा। दूसरी बात के ऐसा भी मानने वाले हैं, एक तो ये तो सारा जगत मानता है गेय से ज्ञान होता है, भले कभी विचार नहीं करते उस पर, और एक ऐसा मानते हैं इंद्रियों से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है, इंद्रियां जिस जिस पदार्थ को छूती हैं उसका ज्ञान होता है। तो इसमें भी आचार्य देव ने कहा कि इंद्रियां यदि छू-छूकर ज्ञान करती हैं तो आंख से अग्नि का ज्ञान जब होगा तो आंख में अग्नि की उष्णता का वेदन होना चाहिए। चलो शब्द कान में पड़े स्पर्श हुए तो ज्ञान हुआ, गंध नाक में पड़ी तो ज्ञान हुआ, रसना इंद्री में रस को स्पर्श किया तो ज्ञान हुआ, ठंडा गर्म का शरीर से स्पर्श हुआ तो ज्ञान हुआ। तो आचार्यों ने कहा जे बताओ चक्षु इंद्री कैसे छू छू के जानती है? यदि चक्षु इंद्री छू के जाने तो अग्नि को देखने के काल में आंख में उष्णता का वेदन होना चाहिए, लेकिन अग्नि को देखने के काल में आंख में उष्णता का वेदन होता है? समझ में नहीं ना बात। तो दो बातें हो गई, दो तरह से हो गई कि नहीं इससे मतलब ज्ञान गेय को न गेय है इसलिए जानता है, क्योंकि गेय है इसलिए जाने तो भूत भविष्य के गेय को नहीं जाने, और छू छू को जाने तो भी त्रिकालवर्ती गेय को नहीं जान सकता, सूक्ष्म पदार्थ को नहीं जान सकता, दूरवर्ती पदार्थ को नहीं जान सकता, काल से दूर जो पदार्थ है भूत भविष्य उनको नहीं जान सकता। तो जब ये सब चर्चा हो गई तो फिर सामने वालों ने प्रश्न किया जानने वालों से, जैनियों से, समझ लो कि फिर तुम ये बताओ कि जब गेय से ज्ञान होता नहीं, गेय को छू छू के ज्ञान होता नहीं, तो ज्ञान होता कैसे है? फिर तुम ये बताओ। तो वहां आचार्य देव ने एक सूत्र लिखा, बहुत जबरदस्त सूत्र है वो जयपुर में भी बड़े जोर शोर से पढ़ाया जाता है उसको, कि ज्ञान कैसे जानता है, तो ज्ञान का स्वरूप बताया कि स्वावरण क्षयोपशम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति है, और एक उदाहरण भी दिया है अगले सूत्र में, नक्तंचर ज्ञानवत, क्या वो केशुंडुक नक्तंचर ज्ञानवत, उसके आगे एक सूत्र है केशुंडुक नक्तंचर ज्ञानवत, अभी मैं बताऊंगा, बहुत बढ़िया है। क्या समाधान किया है कि के ज्ञान किस गेय को जाने, फिर ये नक्की कैसे होगा? अभी तो हमने ये मान लिया कि सामने वीरेंद्र कुमार जी बैठे हैं इसलिए वीरेंद्र कुमार जी को जान लिया, लेकिन भाई इस समय आंख बंद हुई और किसी और को जान लिया, तो जो और को जान लिया वो कैसे जान लिया फिर, जी बताओ। तो फिर नक्की कैसे हो कि ज्ञान किस समय किसको जाने,
ये तो बात फेल हो गई कि सामने वस्तु है इसलिए उसको जाने। कई बार अपन बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, सामने से कौन निकल गया पता नहीं पड़ता, कब विचार में कोई दूसरी चीज चल रही है। ज्ञान का ज्ञेय कुछ और बन रहा है, आंखें खुली हैं फिर भी आंखों को नहीं मालूम कि हमने किसको देखा, क्योंकि देखने जानने वाला जो उपयोग है वो किसी और को देखने जानने में लगा है। तो फिर ज्ञान किसको जाने इसका निर्णय कौन करे? तो उस एक बहुत बढ़िया जवाब दिया है कि स्वावरण क्षोपसम लक्षण योग्यता, ये तो कर्म के निमित्त की अपेक्षा से कथन है। वास्तव में तो ज्ञान में उस समय की पर्याय में स्वयं ज्ञान की ऐसी योग्यता होती है जिस प्रकार के ज्ञाकार रूप प्रणमन करने की योग्यता होती है, ज्ञान अपनी योग्यता से उस प्रकार के ज्ञाकार रूप प्रणमन करता है उसमें सामने किसी ज्ञेय का निमित्त हो चाहे ना। बोलो मैंने ज्ञान के स्वाधीन स्वभाव की तरफ से जवाब दिया है। ज्ञान को ज्ञों को जानने के लिए ज्ञों की अधीनता नहीं, ज्ञाधीन नहीं है ज्ञान। ज्ञान चाहे ज्ञानी का हो चाहे ज्ञानी का, पूर्णतया ज्ञान ज्ञान के अधीन है, स्वाधीन है उसका परिणमन। किस काल में ज्ञान किस ज्ञेय को जाने कि कौन नक्की करे कि कोई नक्की नहीं करे, ज्ञान किस काल में किसको जानेगा, एक ज्ञान की उस समय की पर्याय स्वयं नक्की करती है। स्वयं अपनी योग्यता से उस प्रकार के ज्ञाकार रूप परिणमती है और वो ही ज्ञाकार रूप परिणमन ज्ञान का ज्ञेय बनता है। इसलिए सारा खेल ज्ञान में ज्ञान का है, उसमें जगत के ज्ञेय से कुछ भी लेना देना नहीं है। बोलो, क्योंकि इससे सर्वज्ञत्व शक्ति की सिद्धि होती है कि सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो लोकालोक है इसलिए जानते हैं कि ज्ञान में सर्वज्ञत्व पना प्रकट हुआ इसलिए जानते हैं। तो ज्ञान में सर्वज्ञत्व पना प्रकट हुआ तो ज्ञान की सर्वज्ञता का संबंध ज्ञान से है कि जगत के ज्ञों से है? समझ में ही ना बात। ज्ञान में ऐसी योग्यता प्रकट हो गई, अरे अपन अवध ज्ञान मने परे ज्ञान का उदाहरण ले लो, अवध ज्ञान प्रकट हो गया तो यहां बैठे बैठे कोई दूर का पदार्थ भी साक्षात ज्ञान का ज्ञ बन जाता है कि नहीं बन जाता? और वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, मने स्पष्ट ज्ञान का ज्ञ बनता है। जैसे कोई आप हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे ना, ऐसे ही अवध ज्ञान में कोई दीवाल के उस तरफ भी कोई है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। ऐसा सामर्थ्य अवध ज्ञान की, तो वो अब आंखों से देखो तो कहां दिखाई दे रहा है, तो वो गे आंखों के सामने तो नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन वो चीज ज्ञान का ज्ञेय बन रही है। तो ये जो ज्ञान का ज्ञेय बन रही है इसमें ज्ञेय की महिमा है क्या इसमें ज्ञान की महिमा? ये ज्ञेय की ज्ञेय का योगदान है इसमें कि ज्ञान की कला है? ये तो ज्ञान में ही ऐसी कला पैदा हो गई कि यहीं बैठे बैठे हम दीवार के उस तरफ जान सकते हैं, दूर दूर का जान सकते हैं। तो ये तो ज्ञान में इस प्रकार की कला प्रकट हुई है। देखो मैं एक लौकिक उदाहरण देता हूं, कैमरा होता है और एक्सरे होता है, दोनों में क्या अंतर है? बोलो कि साहब कैमरे में तो जो सामने होगा वो आएगा और एक्सरे में अंदर का भी आ जाएगा। बोलो, तो ये पुद्गल द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है कि एक
एक एक उसी पुद्गल द्रव्य से कैमरा बनाए, उसी पुद्गल द्रव्य से एक्सरे बनाए, लेकिन उसी कैमरे में बाहर का प्रतिबिंब लेने की सामर्थ्य है और एक्सरे में अंदर का प्रतिबिंब लेने की सामर्थ्य है। बताओ, ये तो जड़ पुद्गल के खेल है भाई साहब। तो ज्ञान तो ये अपने आप में अलौकिक और महान है। अपन कोई खबर नहीं है ज्ञान के दिव्य स्वभाव की। किसी ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञान में ज्ञाधीनता नहीं। देखो, आप सोचो कि मैं लड़के को इंजीनियर पढ़ा के इंजीनियर बना दूं, बना सकते हो? उसके ज्ञान में डॉक्टर बनने की योग्यता है? बोलो, उसके ज्ञान में डॉक्टर बनने की योग्यता? आप उसे इंजीनियर नहीं बना सकते। और जिसे मैं इंजीनियर बनने की योग्यता है, उसे डॉक्टर नहीं बना सकते। अरे आजकल शिक्षा पद्धति में भी ये सुधार हुआ है कि जो जब जैसे समझ लो बारहवीं पास करके कोई विद्यार्थी, वहां तक तो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, बारहवीं पास करके विद्यार्थी निकला तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, क्या क्या नाम मैं भूल गया है, नहीं नहीं टेंस अलग टेस्ट अलग, हाँ काउंसलर, ये सही शब्द है काउंसलर। काउंसलर माने उसको ये सलाह देने वाले कि तुम कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें लेना चाहिए, काउंसलर होते हैं। समझ में ना बात, माने उसकी बुद्धि को टेस्ट करते हैं, उसकी रुचि को टेस्ट करते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी को टेस्ट। सबसे मेन होता है उसमें रुचि, क्योंकि आगे का विषय तो वो पढ़ेगा, लेकिन ये विद्यार्थी आगे कौन सा विषय पढ़े और उसमें सक्सेस हो सकता है। अगर उसमें डॉक्टरी पढ़ने की रुचि है और तुमने उसको इंजीनियरिंग में भर्ती कर दिया, वो फेल हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा वो। तो जिसकी जिस विषय में रुचि हो, वो काउंसलर उसको सलाह देता है कि तुम्हें इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए। समझ में ना बात, क्या बोलो, माने उसके ज्ञान के साथ में ज्ञान का टेस्ट भी लेता है, उसकी रुचि का टेस्ट भी लेता है। जिस विषय की जिसको रुचि होती है, ज्ञान भी उस विषय में लगता है। तो रुचि और ज्ञान का सुमेल है। ऐसे यहां भी यही बात लागू होती है कि जिसको आत्महित की रुचि हो, आत्म स्वभाव की रुचि हो, तो उसका ज्ञान यहां लगे बिना नहीं रहेगा। रुचि होगी तो यहां ज्ञान लगेगा। और ये भी देख लो आप, सबका उपयोग क्यों नहीं लगता यहां, क्यों नहीं लग? ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन सबका उपयोग क्यों नहीं लगता? आपके डॉक्टर का ज्ञान आपसे ज्यादा है क्या? ये मास्टर है, वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को ज्यादा ज्ञान वाला मानते कि नहीं? इंजीनियर को ज्यादा ज्ञान वाला मानते हैं? लेकिन खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आत्महित के लिए भी ज्ञान अकेला काम नहीं करता, ज्ञान के साथ में उसकी रुचि प्लस होना चाहिए। देखो, ये सब रुचि का खेल है, जो यहां बैठे हैं ना, ये सब रुचि का खेल है। गुना में कोई इतनी जैनी थोड़ी है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसकी जहां की रुचि है वहां, सवेरे से थैला ले लेके दुकान पे जा रहे लोग, बोलो तो भी क्यों नहीं यहां सुनते हैं आत्मा के हित की बात? नहीं? मर के ढोर बनने के लिए तो तैयार हैं, है? लेकिन जिंदा रह के भगवान बनने के लिए तैयार नहीं है जी, एक कम बात है, बोलो।
वैसे किसी से कहो तुम्हें गधा बनना है कुत्ता बनना है तो डायरेक्ट तो मना कर देगा, लेकिन इनडायरेक्ट जो पुरुषार्थ चल रहा है वो काय का चल रहा है, बोलो ढोर बनने का। गुरुदेव कहते थे मनुष्य पर्याय के अधिकांश जीव मर के ढोर में जाते, 100 में से 1% निकाल दो जो देव गति में जाते हैं और नरक गति में जाते हैं, क्या और मनुष्य पर्याय में, बाकी 99% तो त्रियंश गति में जाती है। बोलो ज्ञान है सबके पास, लेकिन आत्महित में अकेला ज्ञान काम नहीं करता, रुचि रुचि काम करती है। बोलो जिसकी रुचि होगी उसका मन यहां लगेगा। आपका बेटा ही समझ लो, मैं और किसी की बात नहीं करता, सगा बेटा तो सबसे ज्यादा नजदीक का होता है ना, उसको 1 घंटा यहां लाके बिठा लो, क्यों वो तो अर्घ चढ़ाना था उस दिन सो आ गया। बीरेन जी खुश हो रहे थे, मेरा बेटा आ गया, मेरी बहू आ गई, तो मैंने कहा 1-2 घंटा बिठा के और देख लेते इनको इधर। बोलो हाँ, पापा जी ने भी कह दिया जा बेटा निकल जा, तेरी दुकान का धंधा देख। क्या अरे अपना बेटा अपन कहते नहीं बैठो 1 घंटे, पूरा विधान होने पर जाओगे प्रवचन भी आज सुनना पड़ेगा, उस मामले में अपन ढील दे देते नहीं जा जा तू दुकान का नुकसान होगा तेरा। सही बात यह है कि ईमानदारी से अपन को भी नहीं लग रहा अभी कि इसमें लाभ है, वो दुकान 1-2 घंटे 1 दिन यदि बंद रह गई तो उसमें नुकसान ज्यादा दिखता है, प्रवचन 1 दिन नहीं सुना तो इसमें काय का नुकसान, आज की पूर्ति कल हो जाएगी। यही सोच के बहुत लोगों को अभागों को सुनने नहीं मिलता पढ़ने नहीं मिलती जिनमानी, वो तो रोज वही बात निकलती है, साल भर नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, साल भर बाद भी अपन सुनने चले गए तो भी वही बात निकलती, निकलेगी वही निकलती है, वही भी है और अलग अलग भी है। बोलो है अब दुश्मनी है कि मित्रता है, अब ये अब आप समझ लो सब अपनी अपनी। बोलो सही पूछो ईमानदारी से तो कहां अपन उसके हितैषी हैं, अपन को यदि लगा है कि नहीं हित तो इस बात में है और इस मार्ग में है, तो इस बात में हित लगता है तो जो जो अपने हितैषी हैं अपन उसको इस मार्ग में लगाओ। अब ये बात अलग है कि भाई अभागे हों सामने वाला जीव कि अपने समझाने पर भी ना माने तो एक अलग बात है यार, अपन तो कह ही सकते हैं ना अरे यहां आना चाहिए चलो मंदिर में बैठो प्रवचन सुनो ऐसा करो यही काम करने जैसा है, ये तो क्या है पैसा कमाया और मर गए ढोरों ढोरों जैसी ये जिंदगी है। वैसे ही लिखा है उसको मुझे बहुत याद आता है वो छंद, ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण। बहुत गजब का है जिसने भी लिखा है, बहुत सोच समझ के लिखा है, भले वो जैनियों का लिखा हुआ नहीं है लेकिन अन्य मत के जीव भी इतना विचार तो कर ही सकते हैं कि जिसके जीवन में कोई विद्या नहीं है तप नहीं है दान नहीं है ज्ञान नहीं है अपन उसमें लगा सकते हैं, स्वाध्याय नहीं है चिंतन नहीं है भगवान की भक्ति पूजा नहीं है, समझ में ना बात, कुछ बातें कॉमन भी हो गई दया दान है? ये नहीं है तो वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार के समान है, ऐसा लिखा भार है, जैसे गधे के ऊपर माटी लदी रहती है ना तो वो माटी उसको भार है, ऐसे पृथ्वी पे भार है वे जीव। बोलो और मर के त्रियंश तो जब होएंगे तब होएंगे,
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्यों? उसका अर्थ समझते हो? जैसे कोई आदमी होवे और शेर का वो पहन ले चोला, तो मनुष्य होकर जानवर, ऐसे ही हम मनुष्य होकर जानवर हो रहे हैं। मनुष्य रूपेण, रूप मनुष्य का है, और मृगा चरन्ति माने पशु जैसा विचरण कर रहे हैं। मनुष्य रूप में मनुष्य नहीं कहा उनको, बोलो समझ लेना। धर्म में अपन तो सिर्फ यहां लगाओ, धर्म के श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगता, अपने आत्मा के हित की बात सुनने में जिसका चित्त नहीं लगता, देव गुरु धर्म की आराधना में जिसका चित्त नहीं लगता, उनको जैन तो दूर, आचार्य उनको मनुष्य भी कहने को तैयार है नहीं है। अरे अभी अपना अष्टपाहुड़ चला, तो अष्टपाहुड़ में जो लिंग पाहुड़ की गाथाएं थीं, उसमें तो आचार्य देव ने अपनी तुपनी बात तो दूर रहो, उसमें तो मुनिराजों को यहां तक लिखा कि जो मुनि दशा में होने पर भी सम्यक दर्शन से रहते हैं और व्यवहार चारित्र में भी भ्रष्ट हैं, श्रद्धा में भी भ्रष्ट हैं, ज्ञान में भी भ्रष्ट हैं और चारित्र में भी भ्रष्ट हैं, बे साधु साधु नहीं है, त्र्यंच है क्या, बोलो। और एक गाथा नहीं, कितनी गाथाओं में आई है बात, बे मुनि नहीं त्र्यंच है, ऐसी गाथा आई है। वो तो बे तो अपन से ऊंचे पद पे हैं, फिर भी यदि मुनि के योग्य नहीं है आचार विचार ज्ञान श्रद्धा दृष्टि, तो कुंद कुंद आचार्य देव ने त्र्यंच कहा। और यहां तो अन्नमत के कवि ने लिखा है, बोलो कि जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें आत्महित की रुचि नहीं है, भावना नहीं है, शीलवान जीवन नहीं है जिसका, नैतिकता का व्यवहार नहीं है जिसके जीवन में, सदाचार नहीं है, सद दृष्टि नहीं है, सद विचार नहीं है, सद आचार नहीं है, क्या उनको आदमी नहीं कहा? अपना नाप काय से है सबका, सबको एक पैसे की चश्मे से देखते, नजर से नापते, पैसा ज्यादा है तो बड़ा आदमी और पैसा कम है तो छोटा आदमी, सब नापने का चश्मा एक हो गया, बस सबसे पर्याय दृष्टि नहीं, पैसा दृष्टि, पर्याय दृष्टि चीज अलग होती है। सबको काय से नापते हैं, बस एक तराजू में तोलते हैं, बस पैसा, जिसके पास ज्यादा है सो बड़ा आदमी और कम है सो छोटा आदमी। और आचार्य देव कह रहे हैं पैसा बहुत हो और तत्व की रुचि ना हो तो कौन है, बड़ा आदमी है कि ढोर है? बल्कि हमारी नजर में बड़ा ढोर है, ढोरों में भी भेद कर लो, कोई छोटा ढोर कोई बड़ा ढोर, अपन मानते ना, ए भैया ये तो छोटे आदमी है, ये मीडियम आदमी है, ये बड़े आदमी है, और आचार्य कह रहे हैं ये ढोर है, तो फिर ढोरों के तीन भेद हो गए ना, एक बड़ा ढोर, एक छोटा ढोर और एक मीडियम ढोर। बोलो, फूले फूले फिरते हैं, ज्ञानी ढोर देखते हैं तुम्हें, ज्ञानियों की नजर में जिनकी दृष्टि आत्महित में नहीं है वे सब ढोरों जैसे लगते हैं। कितने कड़क शब्दों का प्रयोग किया आचार्य देव ने, अपन सोच सोचते नहीं है, सोचे तो शर्म आ जाए। ढोर तो फिर भी अच्छा होता है, मुर्दा तो उससे भी गया बीता होता है। बोलो, ये भी गाथा निकली कि नहीं निकली अष्टपाहुड़ में? चलता फिरता मुर्दा कहा, जिसकी रुचि अपने स्वभाव में नहीं,
जिसको तत्व की रुचि नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, धर्म के प्रति समर्पण नहीं है, आत्महित की रुचि नहीं है, बोलो, वो तो मुर्दा कह दिया, वो तो ढोर से भी गया बीता हो गया। ढोर तो फिर भी अच्छा है, बोलो ढोर अच्छा क्या मुर्दा अच्छा? कौन अच्छा? ढोर अच्छा है तो ढोर रहो। क्या छांट लिया हमने, उसमें से भी छांट लिया। एक जगह आचार्य देव ने ढोर कहा, एक जगह आचार्य देव ने मुर्दा कहा, तो अब छांट लो भैया, तुम कौन अच्छा लगता है? छांट लो, मुर्दा अच्छा लगता है कि ढोर अच्छा लगता है? क्या बनना है तुम्हें, क्या कहलाना अच्छा लगता है, मुर्दा का ढोर? नहीं, मुर्दा मत कहो साहब, तो क्या ढोर कह दो। अच्छा, ढोर में भी छोटे ढोर के बड़े ढोर। क्या क्या हो गया जगत को, वो हो गया है, वो तो संसार तो ऐसे ही चलने वाला है। ये तो यहां जिसकी दृष्टि झुकी है, यहां जिसके उपयोग का झुकाव हुआ है, ये बातें उसकी समझ में आती हैं कि जो जगत का बड़ा आदमी है वो बड़े ढोर हैं आचार्यों की नजर में। बोलो, आचार्य उसको आदमी मानने को तैयार नहीं है, उसको जैन मानने को तैयार नहीं है आचार्य, ढोर मानने को तैयार है। तुम्हारी दृष्टि से देखते होगे, बड़े आदमी है भैया, बड़े आदमी है, क्यों? बड़ी हवेली, बड़ा पैसा, बड़ी दुकान, बड़ी मोटर, बड़ी गाड़ी, बड़ा परिग्रह, इससे नाप करते हैं ना सबका, बड़े आदमी का। अब ढोरों की सूची बनाओगे तो हिंदुस्तान में सबसे बड़े ढोर कौन निकलेंगे? नाम नहीं लेना। बात है, ख्याल में ही ना, बात बताओ, आचार्यों की नजर देखो। अरे सही बात ये है, सही बात है ये, अपनी जिस दिन तत्व दृष्टि होगी, अपनी जिस दिन अपने आत्मदृष्टि होगी, आत्मा की महिमा, तत्व की महिमा, जिन देव की महिमा, जिन शासन की महिमा, जिन वर की महिमा, जिन वरेंद्रों की महिमा, अरहंतों की महिमा, सिद्धों की महिमा जिस दिन दिमाग में भरेगी, उस दिन ये ढोरों की महिमा नहीं आएगी। सही कहता हूं मैं ईमानदारी से, मुझे किसी सेठ की महिमा नहीं आती, कभी नहीं आती, अरबपति हो चाहे खरबपति हो, वो ही दिखता है जो आचार्य देव ने लिखा है। अरे जिन्हें तत्व की खबर नहीं, वीतरागी देव गुरु धर्म के स्वरूप की खबर नहीं, आत्मा के स्वरूप की खबर नहीं, परमात्मा के स्वरूप की खबर नहीं, परम पद में विराजमान पंच परमेष्ठी के स्वरूप की खबर नहीं, तो हम इन्हें आदमी कैसे कहे? हम आदमी मानने को तैयार नहीं है, जैन कहने की बात तो दूर रहे। आचार्यों ने सही लिखा, ढोर हैं। बोलो, वर्तमान में पर्याय मनुष्य की है, अगले 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 भाव में ढोर ही देख लेना तुम, क्या अगले भाव में शरीर भी ढोर का होने वाला है? अभी तो आचार्यों ने परिणामों से ढोर कहा, सुनो, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, अभी तो आचार्यों ने हमें परिणामों से ढोर कहा, और ये ही परिणाम अगले पर्याय में हमें शरीर से भी ढोर बना देने वाले, क्योंकि शरीर की रचना करने वाला परिणाम है, जैसे परिणाम होते हैं वैसी शरीर की रचना होती है, त्रियंच जैसे परिणाम होंगे तो शरीर की रचना त्रियंच की होने वाली। गुरुदेव कहते थे आड़े परिणाम होते ना, आड़े परिणाम, माया के, छल के, कपट के, तिरछे परिणाम, वक्र परिणाम, और त्रियंचों का शरीर भी कैसा होता है? आड़ा, आड़ा होता है, तिरछा होता है, वक्र होता है, तो जैसे परिणाम
वैसा शरीर मिलने वाला है वो, ऐसा नहीं है। इसलिए लिखा कि अधिकांश जीव मर के त्रेंच गति में जाते हैं, फिर उसमें कैटेगरी अच्छी है, बड़े ढोर कहां जाएंगे, जो मीडियम है वे कहां जाएंगे और छोटे कहां जाएंगे, बोलो। वर्तमान में कहने को छोटा ढोर, लेकिन वो बच सकता है क्योंकि वो कम पापी होता है, छोटा पापी होता है, छोटा घर छोटी मकान छोटा दुकान उतना ही आरंभ परिग्रह है, कभी मंदिर भी चला जाता है, कभी प्रवचन भी सुन लेता है, समय मिलता है ना उसको। जी बड़े ढोर हैं, उन्हें मंदिर जाने का ठिकाना नहीं, प्रवचन तो बहुत दूर की बात हो गई, बोलो टाइम ही नहीं। जिन्हें टाइम नहीं है अपने आत्महित की बात सुनने के लिए, भगवान की भक्ति पूजा आराधना के लिए जिनको टाइम नहीं है, स्वाध्याय के लिए जिनको टाइम नहीं है, तो भाई ढोर नहीं बने तो का बनेंगे बताओ, कहां जाएगा वो जीव जिसको अपने को देखने को समय नहीं, जिसे आत्मा को देखने के लिए समय नहीं है, और जिसे परमात्मा को देखने के लिए समय नहीं है, कहां जाएगा वो जीव 24 घंटे, बोलो। समझ में ही ना बात, तो वो कोई खाली बातें नहीं है, जैसा परिणाम वैसी रचना होने वाली है। ये डिजाइन डिजाइन के शरीर कौन बना देता है, नामकर्म, तो नामकर्म की रचना कौन करता है, परिणाम, जैसे परिणाम वैसा बंद होता है, आड़े टेढ़े मायाचारी छलकपट के परिणाम तो वैसा बंद होता है, और जैसा बंद होता है वैसा उदय में आता है। इसलिए भयभीत तो नहीं होता जीव, सही बात यह है, इतना मोहित रहता है, ऐसा मद चढ़ा रहता है उन संयोगों का, और ऐसा अपने को फूला फूला फिरता है, बड़ा आदमी मान के चलता है, खबर नहीं है उसको कछु, सुधबुद नहीं है, बेहोश है, समझ में ही ना बात, होश नहीं है जीव को। एक ज्ञानी समझ सकते हैं इस बात को कि बेहोशी में घूम रहा है, दया आती है, करुणा आती है ऐसे जीवों पर, वो अपने आप को ऐसा सहनसाह समझता है, ऐसा आकड़ा कड़ा करता है। गुरुदेव कहते थे मैं बड़ा शहरी सांकड़ी, गली छोटी और मैं मोटा, क्या ऐसा लगता है उसको, जैसे गली मेरे हिसाब से छोटी है, ऐसा अहंकार में चढ़ा रहता है। इसलिए बहुत भाग, इसीलिए तो कहते भैया महाभाग समझना, जिनवाणी सुनने की रुचि हो गई तो महाभाग, इनको भगवान नहीं समझना, पैसा धन मकान कुटुंब परिवार सोना चांदी हीरे मोती, इनको कभी भगवान समझना ही नहीं अपनी नजर में, कभी स्वप्न में भी इनको बड़ा आदमी नहीं मानना, ये बड़े आदमी है, ये महा अभागे हैं, ये पुण्य के उदय से जो मिला है ना ढेर, ये इनको उतना ही पाप का उदय आने में पतित करने वाला है ये सब, पुण्य पवित्र नहीं करता, पतित करने वाला है। जैसे गीले गुड़ में मक्खी फंसती है ना, ऐसे ऐसे ये जितना भी संसार का आरंभ परिग्रह पुण्य के उदय में मिलता है वो सब गीले गुड़ के समान है, देख लो, हाथ मले और सिर धोने लालच बुरी बला है, निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता, कभी तीर्थ यात्राओं को जाने का समय नहीं मिलता, बड़े आदमी है समय नहीं है सब, दुकान बंद, एक दिन दुकान बंद करें तो 50,000 का नुकसान हो, वो नुकसान दिखता रहता है 50,000 का। उल्टी सोच है जगत की कि साहब ये तो कभी भी दुकान बंद करके चले, कि उनकी का
1500 रुपया कमाते होंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन यदि बंद कर दी 2-500 का नुकसान होता है, और हम बंद करते तो हमारा तो 1,50,000 का नुकसान होता है। लेकिन मूर्ख गमार ये तो विचार कर कि वो 200-500 रुपए रोज कमाने वाला है और तू लाखों रुपए रोज कमाने वाला, तूने 365 दिन में कितने कमाए। वो तो रोज कुआ खोदता है और रोज पानी भरता है, और तेरे तो तालाब के तालाब जैसे भरे पड़े हैं। बोलो, तू तो जिंदगी भर ना कमाए तो भी इतना है कि वो तो रोज कुआ खोता है रोज पानी भरता है, समझते हो इसका मतलब। उतना ही कमाता है उतना ही खर्चा है, उतना ही कमा लेता है उतना ही खर्चा है, फिर भी आकुलता नहीं। और धर्म कार्य करने में और तीर्थ यात्रा आदि करने में अपना समय निकाल लेता है जीवन का, और तू तो जीवन भर नहीं कमाए तो जीवन भर खाने में कमी ना पड़े, इससे उसके तृष्णा का माप समझ में आया। समर्पण किसने ज्यादा किया? उसने समर्पण ज्यादा किया कि जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसने ज्यादा समर्पण किया, क्योंकि उसे ज्यादा आवश्यकता है। अभी समझ लो लौकिक हिसाब से, तुझे आवश्यकता नहीं है, तू तो तृष्ण महातृष्णा के बस है, इसलिए ये आरंभ परिग्रह नहीं छोड़ पाता है। तो बड़ा भागा कौन हुआ, समझ में आई ना बात? एक कई तरह से सिद्ध हो गई बात। बड़े आदमी नहीं देखना, बड़े बहु आरंभ परिग्रह है, शास्त्रों की बातें हैं। बोलो, बहुत धंधे साहब, बहुत व्यापार, क्या कहें, इतना धंधा इतना व्यापार। अच्छा, इतने धंधे व्यापार वालों को मरने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, बोलो, अरबों खरबों करोड़ों, कितने हजारों करोड़ों की गिनती नहीं। ये साहब उसके पास 10,000 करोड़ है, ऐसे लगता है ऐसे बोल दिया 10,000 करोड़ जैसे कोई कीमत ही नहीं हो 10,000 करोड़। और फिर भी परिणाम ऐसे कि आत्मघात करके नदी में कूद के मर गया एक सेठ, 10,000 करोड़ का मालिक। और अब परिणाम कैसे होंगे बताओ। अपन सोचते अरे 10,000 करोड़ वाला तो क्या हीरे मोतियों के झूले में झूलता होगा, हीरे मोती के झूले में झूलता था कि परिणामों में कीड़े पड़ रहे थे, चैन नहीं थी एक समय के लिए, आत्मघात करके नदी में कूद के मर गया। बोलो, सत्य घटना है। तो सुखी थे कि दुखी थे? और वो 100 रुपया रोज कमाने वाला ठेले वाला, बढ़िया 100 रुपया कमाया, साग सब्जी ली और अपने शाम को खाया पिया और बढ़िया सो गया विदाउट टेंशन। क्यों? उसे नींद की गोली नहीं खाना पड़ती। तो ये बात यहां आचार्य देव कर रहे हैं। देखो, इस ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण और प्रयोजनभूत है कि एक जगत का परमाणु और वस्तु स्वरूप से विचार करो तो कितना हल्का हो जाए उपयोग। एक जगत का परमाणु मेरा नहीं है, बोलो, और मेरा नहीं है, मैं उसका कर्ता भी नहीं, स्वामी भी नहीं, मालिक भी नहीं और भोक्ता भी नहीं, बोलो। तो क्यों इस धूल मिट्टी को गधे जैसा लाद लाद के मरना, बोलो, विरक्ति हो जाए जीव को यदि यह वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो। जिनको समझ में आता है फिर वे छोड़ के चल देते हैं। चक्रवर्तियों को समझ में आ गई ये बात तो चक्रवर्ती भी एक समय में सारे 6 खंड को छोड़ छाड़ के चल देता है। श्रीमद राजचंद जी ने लिखा, एक भिखारी अपना सकोरा, सकोरा माने कटोरा, जिससे भीख मांगता है, जीवन भर वो कटोरा छोड़ने को तैयार नहीं है, अज्ञानी और मूर्ख भिखारी। और चक्रवर्ती को जब तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान होता है तो 6 खंड की विभूति को तिनके के समान छोड़ के चला जाता है। बोलो, तो बड़ा भिखारी कौन हुआ? अपन सोचते हैं जो छोटा भिखारी, अरे छोटा नहीं, उसकी तृष्णा तो देखो, वो जीवन भर वो एक कटोरे को और फटी टूटी गुदड़ी को भी छोड़ने को तैयार नहीं है वो।
मरने को तैयार है। इस सारा खेल तत्व ज्ञान का है। तत्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, तो क्षण में चक्रवर्ती की संपदा छोड़ के चला जाए। बोलो, छोड़े चौदह रत्न नमो निधि अरु छोड़े संग साथी, कोर अठारह घोड़े छोड़े चौरासी लख हत्या हाथी इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, रो रो के छोड़ी, रो रो के छोड़ी, जीर्ण तृण सम त्याग, सड़ा हुआ तिनका फेंक देते हैं, ऐसे उठा के छोड़ की छोड़ दी और चले गए आत्म स्वभाव की आराधना के। उन्हें सूरवीर कहते हैं, और जो उसी में मरते रहते हैं वे सब कायर हैं। क्या उसी परिग्रह में मरते रहते हैं? अरे बनारसी दास जी ने तो क्या लिखा, ज्ञानियों ने कुछ कह नहीं सकते, थोड़े अपन पढ़ने सुनने का समय नहीं। बार बार आर सहे कायर की त्रास सहे, बेल बेल जैसी दशा लिखी है। धाय वही धंधा और कंदा माही पड़ी जोत, कोर चारों ऐसा घूमता रहता है, कोरू को कमेरू बेल हो रही अवस्था, सो कमेरू जैसे कोलू जैसे बैल की, कोलू का बैल कहा हमें, तो बात तो फिर घूम फिर के भाई आ गई, बैल भी तो ढो रही है। बोलो, कोलू का बैल तो ज्यादा जोता रहा है वो अच्छा कि कम जोतना पड़े वो अच्छा? बोलो, कोलू के बैल को ज्यादा जोतना, एक 10 घंटे जोतता है और एक 2 घंटे जोतता है, तो कौन सा अच्छा है? बोलो, 2 घंटे वाला के 10 घंटे वाला है? लेकिन ये बात अपने प्रैक्टिकल जीवन में विचार कर लेना। देखो,